नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग। जब रुपया आप सेविंग अकाउंट में रखते हैं तो उस पर आपको मात्र 3.5% या 4% का रिटर्न प्राप्त होता है, लेकिन जब इस रुपये को आप अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट कर देते हो, जैसे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देते हो, गोल्ड में इन्वेस्ट कर देते हो या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हो, तो आपको अच्छे खासे रिटर्न मिलते हैं। लेकिन इन सारे इन्वेस्टमेंट में आपको रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसे में हम आपके लिए एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट लेके आए हैं, वो है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो और जब चाहे आप म्यूचुअल फंड से रुपया निकाल भी सकते हो और बिल्कुल आप अपने मोबाइल से कर सकते हो और वो भी ग्रो ऐप के मदद से। तो आज हम आपको ग्रो ऐप के माध्यम से बताएंगे कि आप म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, ये जो एक स्पेशल टाइप का इन्वेस्टमेंट है ये कैसे कर सकते हो आप ग्रो ऐप के मदद से और अपने मोबाइल से कर सकते हो। और ग्रो ऐप जो है हमारा, ग्रो ऐप का ये खासियत है, इसमें कोई हिडन चार्ज आपको नहीं लगता है। आप डायरेक्ट यहाँ से म्यूचुअल फंड बाय करते हो, सिर्फ आप अपने एक्सपेंस रेशियो पर म्यूचुअल फंड को बाय कर सकते हो और जब चाहे आप म्यूचुअल फंड से एग्जिट कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम आपको म्यूचुअल फंड पे कैसे अकाउंट बना सकते हैं, म्यूचुअल फंड से कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, सारे फीचर्स इसका हम डिटेल में कवर करेंगे। सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ग्रो ऐप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेनी है और वहाँ पर हमारा जो रेफरल लिंक है उसी से आपको जाना है। ये हमारा रेफरल लिंक है, इससे जब आप ओपन करते हो तो हमें एक छोटा सा बेनिफिट्स होता है। और जैसे यहाँ से इंस्टॉल करना है, फिर यहाँ से देख सकते हैं आप इसको ओपन करना है। जैसे आप ओपन करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ से आप जो है या तो अपने किसी भी गूगल अकाउंट से जा सकते हैं या यहाँ से कंटिन्यू विथ अदर ईमेल कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपना ईमेल डालना है। चलिए हम अपना ईमेल डाल लेते हैं। ईमेल डालने के बाद आपको यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो चलिए नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड सेट करना है। तो चलिए पासवर्ड सेट कर लेते हैं। पासवर्ड सेट करने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर अपना डालने बोलेगा। चलिए मोबाइल नंबर डाल लेते हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको यहाँ सेंड OTP पर क्लिक करना है। जैसे आप सेंड OTP पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल पर जो भेजा गया है कोड, वो वेरीफिकेशन कोड डालने बोलेगा। चलिए वेरीफिकेशन कोड डाल लेते हैं। हमारा मोबाइल नंबर इसी फ़ोन में लगा हुआ था तो इसी फ़ोन में लगे कारण ऑटोमेटिक ले लिया। तो अब यहाँ पर आपको बोला जाएगा पेन नंबर डालने। तो चलिए पेन नंबर डाल देते हैं। जैसे आप पेन नंबर डालते हैं तो यहाँ पर आपका नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका नाम है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो यहाँ से आपको कन्फर्म करना है कि आपका नाम यही जो है। तो कन्फर्म IM प्रशांत कुमार, इस पर क्लिक कर देना है। तो चलिए हम क्लिक कर देते हैं। जैसे क्लिक करते हैं आप पिन नंबर डालने के बाद, यहाँ पर आपको बोला जाएगा डेट ऑफ बर्थ डालने, यहाँ पर फिर जेंडर सेलेक्ट करने, यहाँ पर मेटेरियल स्टेटस सेलेक्ट करने और फिर यहाँ पर रेसिडेंस अपना सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हमने अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लिया, जेंडर सेलेक्ट कर लिया, मेटेरियल स्टेटस और रेसिडेंस सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर फिर नेक्स्ट पर यहाँ क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको KYC वेरीफाई करने के बोला जाएगा। तो यहाँ पर KYC के लिए आपको सेलेक्ट करना है। तो चलिए सब फटाफट हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले है आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में है, प्राइवेट सेक्टर में है, तो हम सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। चलिए इसको सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद इनकम 1 to 5 lakh या 5 lakh to 10 lakh जो भी आपका है, या 1 lakh से लेस, यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। हमारा 1 to 5 lakh में सेलेक्ट कर दिए। उसके बाद यहाँ मदर्स नेम डालना है। चलिए मदर्स नेम डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे फादर्स नेम डालना है, जैसा कि आपका पैन कार्ड पे है। चलिए यहाँ फादर्स नेम डाल देते हैं। फादर्स नेम, मदर्स नेम डालने के बाद यहाँ नीचे जो है आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फादर्स नेम और मदर्स नेम डालने के बाद यहाँ नीचे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। चलिए नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर पूछा जाएगा कि म्यूचुअल फंड नॉमिनी यहाँ पर आप ऐड करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो अगर ऐड करना चाहते हैं तो इसको यहाँ एस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नॉमिनी का डिटेल मांगा जाएगा, यहाँ पर रिलेशन मांगा जाएगा। तो चलिए हम तत्काल नॉमिनी ऐड नहीं करते हैं, बाद में ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर फिर नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको अपना बैंक अकाउंट डिटेल मांगा जाएगा। जो बैंक अकाउंट यहाँ पर आप देंगे उसी से आपको म्यूचुअल फंड बाय करते समय पेमेंट करना होगा। और जब म्यूचुअल फंड आप सेल करते हैं फिर आपको रुपया वापस लेना है तो इसी अकाउंट में आपका रुपया आएगा। तो इसलिए जो बैंक अकाउंट है वो आप अपना दें और जो बार बार आप यूज़ करते हैं, अच्छे से यूज़ करते हैं, जो कि सिक्योर हो, वही डालना है। तो चलिए यहाँ पर उसका FSC कोड पहले डालना है। तो चलिए हम FSC कोड डाल देते हैं। जैसे आप FSC
कोड यहाँ पर डालेंगे तो आप यहाँ पर नीचे आपका बैंक का नाम, एड्रेस और ब्रांच कौन सा है सारा डिटेल आ जाएगा। तो डालने के बाद अब आपको यहाँ पर कन्फर्म बैंक करना है, तो नीचे कन्फर्म बैंक पर क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर पूछेगा, तो यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर अपना डालना है। चलिए बैंक अकाउंट नंबर डाल लेते हैं। बैंक अकाउंट नंबर डालने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपको जो है बैंक अकाउंट नंबर डालने के बाद नीचे नेक्स्ट पर क्लिक करना है। चलिए हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो है 27 सेकेंड का वक्त लगेगा हमारे बैंक अकाउंट को वेरीफाई करने में। तो ये हमारा वेरीफाई कर रहा है, एक रुपया हमारे बैंक अकाउंट में भेजेगा वेरीफाई करने के लिए। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा बैंक अकाउंट रिक्वेस्ट वेरीफाई हो गया। जैसे आपका बैंक अकाउंट वेरीफाई हो जाता है यहाँ पर आपको अपना फ़ोटो डालने बोलेगा, यहाँ पर आपको अपना फ़ोटो डालना है। तो चलिए यहाँ पर अपना फ़ोटो ले लीजिए, तो कैमरा पर क्लिक करते हैं, यहाँ से देख सकते हैं सारा अलाउ कर देना है, जो भी चीज़ अलाउ करने मांगेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना वीडियो बनाने बोलेगा, आपको अपना यहाँ पर वीडियो बनाना है। तो चलिए वीडियो बना लेते हैं। तो यहाँ पर आपको वीडियो रिकॉर्ड करना था, हमने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। यहाँ पर आपको अपना फेस का वीडियो निकालना है, एकदम आपका फेस होना चाहिए। हमने यहाँ एग्जांपल के लिए कोई भी वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, यहाँ पर सिर्फ आपका फेस होना चाहिए, आपको फेस में कुछ बोलना नहीं है, आपका एकदम क्लियर फेस होना चाहिए आइडेंटिटी प्रूफ के लिए कि ये आपका अकाउंट है। तो सारा चीज़ डालने के बाद अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर पैन कार्ड अपना डालना है। तो देख सकते हैं यहाँ सैंपल आ चुका है पैन कार्ड का, तो चलिए पैन कार्ड डाल लेते हैं। गैलरी से डालना है या कैमरा से, चलिए हम गैलरी से डाल लेते हैं। पैन कार्ड देखते हैं, जैसे हमने पैन कार्ड अपलोड कर दिया, अब यहाँ पर बोल रहा है कि वेरीफाई एड्रेस, एड्रेस वेरीफाई करने के लिए आपको आधार कार्ड, वोटर आई डी कार्ड, पासवर्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई एक डालना है। तो चलिए इसमें से कोई एक हम डाल लेते हैं, आधार कार्ड। जैसे हमने आधार कार्ड डाल दिया तो इसका बैक साइड भी बोल रहा है डालने के लिए, तो चलिए बैक साइड भी डाल देते हैं। तो देख सकते हैं कि प्लीज चेक द एड्रेस मैच्ड ऑन वन ऑफ योर आधार कार्ड। तो आधार कार्ड पर जो एड्रेस मैच कर रहा है वो सारा चेक करना है। तो यहाँ पर सारा एड्रेस आपको यहाँ पर चेक कर लेना है। तो चलिए यहाँ पर एड्रेस हम सारा चेक कर लेते हैं। जैसे आप अपना एड्रेस सारा डाल देते हैं तो यहाँ पर आप जैसे यहाँ पर डालेंगे तो यहाँ आ जाएगा पैन डिटेल आप डाल दिए, एड्रेस डिटेल डाल दिए, पर्सनल डिटेल डाल दिए। तो कह रहा है यहाँ पर इफ़ एनी डॉक्यूमेंट इज रॉन्ग और अनक्लियर योर KYC कैन बी फेल। तो आपका KYC जो फेल हो जाएगा तो यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करना है। चलिए हम आई एग्री पर क्लिक करते हैं। जैसे आई एग्री पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको सिग्नेचर वेरिफिकेशन करने बोला जाएगा, तो यहाँ पर आप सिग्नेचर वेरिफिकेशन पर चलिए क्लिक करिए। जैसे साइन पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर बोला जाएगा आप यहाँ पर साइन कीजिए। तो जैसे आप साइन पर क्लिक किए यहाँ पर आपको साइन करना है, तो चलिए यहाँ पर साइन कर लेना है। जैसे राम आपका नाम है तो यहाँ से राम आपको ऐसे साइन कर देना है। जैसे आप उंगली चलाएंगे कलम की तरह स्क्रीन पर तो यहाँ पर आपका साइन हो जाएगा। तो साइन करके यहाँ पर सेव पर क्लिक करना है। जैसे सेव पर क्लिक करेंगे आपका सारा डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट हो जाएगा और एक दो दिन में आपका सारा जो वेरिफिकेशन होकर के अकाउंट खुल जाएगा। एक दो दिन का वक्त लगेगा, आपका सारा डॉक्यूमेंट्स जो है ग्रो वेरीफाई करेगा। जैसे ग्रो वेरीफाई कर लेता है आपका अकाउंट ओपन कर देगा और फिर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकेंगे। चलिए कैसे इन्वेस्ट कर सकेंगे ये आप बात करते हैं। तो जैसे आपका अकाउंट ओपन हो जाता है तो आपको अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना है, लॉगिन कर लेना है ग्रो ऐप में। जैसे ग्रो ऐप में लॉगिन करते हैं आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर सबसे ऊपर आपको ये सर्च बार दिखता है, यहाँ पर कोई भी फंड आप सर्च कर सकते हैं। तो जैसे देखिए हम सर्च करते हैं एक्सिस ब्लू चिप फंड, तो एक्सिस ब्लू, जैसे एक्सिस लिखे यहाँ पर बहुत सारा एक्सिस का जो म्यूचुअल फंड आ गया, यहाँ ऊपर में ही हमारा है ब्लू चिप फंड। आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके एक्सिस ब्लू चिप फंड के बारे में सारा डिटेल दिखाएगा। तो इसको जानने से पहले हम पूरे इसके इंटरफेस को जान लेते हैं, फिर नीचे आते हैं। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कुछ फंड रिकमेंड कर रहा है जो कि बहुत ही हायर रिटर्न दिया अभी तक, देख सकते हैं। यहाँ जाते हैं तो दूसरा फंड, फिर इधर जाएंगे तीसरा फंड, कुल चार फंड यहाँ पर आपको रिकमेंड कर रहे हैं। फिर यहाँ पर कुछ कलेक्शन
कलेक्शन है। कलेक्शन में आपको हाई रिटर्न वाले यहाँ पर फंड दिखा रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको हाई रिटर्न वाले फंड दिखेंगे। दूसरा है टैक्स सेविंग फंड, इस फंड में आप अपना 1,50,000 तक का टैक्स सेव कर सकते हैं। इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 1,50,000 का टैक्स में बेनिफिट्स मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर है बेटर देन FD, जो फंड FD से ज़्यादा रिटर्न दिया है तो उस फंड को यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो लिक्विड फंड है। उसके बाद टॉप कंपनीज, यहाँ पर आप क्लिक करके टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद है SIP विथ 500, यहाँ पर आप क्लिक करके जो 500 के SIP वाले फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद सेक्टर बिट्स, यहाँ पर जो फंड अपने सेक्टर को बिट किया है उस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आते हैं तो देख सकते हैं क्विक एक्सेस ट्रैक फंड, यहाँ से आप अपने फंड को ट्रैक कर सकते हैं। चाहे आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए हो, चाहे किसी भी ऐप से किए हो, किसी भी ब्रोकर के तहत किए हो, आप यहाँ से उस फंड को ट्रैक कर सकते हैं। फिर यहाँ है रेफर एंड अर्न, आप रेफर करते हैं इस ऐप को तो आप भी अर्न कर सकते हैं। उसके बाद हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी इन्वेस्टेड समवेयर, तो इसको ट्रैक करने के लिए पहले ही बता दिया कि यहाँ से आप ट्रैक कर सकते हैं। उसके बाद डेली न्यूज़, यहाँ से आप डेली न्यूज़ स्टॉक मार्केट के बारे में अपडेट हो सकते हैं, ज़्यादा विशेष जानकारी यहाँ से ले सकते हैं फंड के बारे में। उसके बाद नीचे आपको मिल जाते हैं बहुत सारे ट्यूटोरियल, इसको देख करके आप इस म्यूचुअल फंड के तहत कैसे इन्वेस्ट करते हैं वो सीख सकते हैं। अब हम यहाँ से एक फंड को सर्च करेंगे और उसमें इन्वेस्ट करने के लिए सीखेंगे। तो यहाँ से हम एक्सिस ब्लू चिप फंड को सर्च करते हैं, तो जैसे हम लिखे तो देख सकते हैं एक्सिस ब्लू चिप फंड आ गया। अब इस पर हमने क्लिक किया तो जैसे क्लिक करेंगे ये फंड खुल गया। अब यहाँ से आप देख सकते हैं इसका 1 मंथ का रिटर्न कितना है, 1 ईयर का कितना है, 3 ईयर्स का कितना है, 5 ईयर्स का कितना है, ऑल टाइम का कितना रिटर्न है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इसका जो ऑल टाइम्स का रिटर्न है वो है 12.45% का। यहाँ से फंड के बारे में देख सकते हैं कि ये मोटरली हाई रिस्क वाला फंड है, क्योंकि हमने जो सेलेक्ट किया है ये इक्विटी फंड को सेलेक्ट किया है। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा आपको इक्विटी फंड, लार्ज कैप फंड है ये, मतलब इसमें आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपके रुपया जो है सारे लार्ज कैप कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाएगा इस म्यूचुअल फंड के तहत। उसके बाद नीचे आ जाते हैं तो यह टाइम होराइजन है, आप कितने दिनों में इस फंड के परफॉर्मेंस को देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर NAV है, अगर आप NAV के बारे में नहीं जानते हैं तो NAV के बारे में ऊपर आई बटन पर क्लिक करके जान सकते हैं कि NAV क्या होता है। उसके बाद ये रेटिंग है, इसे फुल ऑफ फुल रेटिंग है 5 का देख सकते हैं। तो क्रिसिल रेटिंग आपको हर म्यूचुअल फंड का देखना चाहिए इन्वेस्ट करने से पहले। उसके बाद ये फंड का साइज है, अभी इस फंड में कुल जो इन्वेस्टमेंट है वह है 12,716 करोड़ का। तो ये है गया म्यूचुअल फंड का साइज। उसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं SIP या वन टाइम कैलकुलेशन, तो यहाँ से आप SIP इसका देख सकते हैं कितने के SIP करते हैं तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा इसके प्रीवियस परफॉर्मेंस के आधार पर। SIP क्या होता है नहीं जानते हैं तो बता दें, SIP होता है कि हर महीने आप छोटे छोटे अमाउंट, मतलब कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, तो वैसे तरह के इन्वेस्टमेंट को हम SIP इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर आप 500 के SIP कर सकते हैं, 1000 के SIP कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, जैसे यहाँ से आप 1000 के SIP लेते हैं तो मिनिमम SIP है 500 का, इस फंड में आप 1000 का SIP लेते हैं तो आप यहां पर इसके पिछले परफॉर्मेंस के आधार पर, 1 ईयर बैक के आधार पर, 3 ईयर्स बैक के आधार पर, 5 ईयर्स बैक के आधार पर यहां पर आप इन्वेस्टमेंट अमाउंट यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं अगर 5 साल के लिए आप इन्वेस्ट करते हैं 1000 पर मंथ, तो यहाँ कितना रिटर्न मिलेगा इस फंड के प्रीवियस रिकॉर्ड के आधार पर यहाँ पर आप देख सकते हैं और कैलकुलेट भी कर सकते हैं प्रीवियस रिकॉर्ड के आधार पर। आगे चल करके ये फंड इससे भी ज़्यादा बेटर परफॉर्म करके आपको रिटर्न दे सकता है। उसके बाद यहाँ पर रिटर्न्स है, यहाँ पर रिटर्न आपने पहले भी देखा और यहाँ पर भी देख सकते हैं कि 5 ईयर्स ऑल टाइम का रिटर्न कितना है और इस कैटेगरी का रिटर्न, इस फंड का रिटर्न कितना है और इसके कैटेगरी में जो और फंड है उसका रिटर्न कितना है। और इसका यहाँ पर रैंक चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं रैंक 5 ईयर्स में भी नंबर 1 रैंक है, 3 ईयर्स में भी और 1 ईयर्स में भी। तो रिटर्न में इसका कौन सा रैंक रहा है ये चेक कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि फंड कंसिस्टेंस रूप से रिटर्न दिया है या नहीं। उसके बाद यहाँ पर प्रोज और कॉन्स है उसको देख सकते हैं, इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं प्रोज क्या है और कॉन्स क्या है इस फंड का। उसके बाद यहाँ पर पीर कंपैरिजन है, इसके अन्य जो फंड हैं यहाँ पर देख सकते हैं 5 फंड दिए गए हैं इसी लार्ज कैप फंड के बारे में, तो उसके साथ इसका कंपैरिजन कर सकते हैं कि कौन सा फंड बेटर है। उसके बाद होल्डिंग्स, कौन सी कंपनियों में जो है इस फंड ने अपना इन्वेस्टमेंट किया है वो सारी कंपनियां यहां पर देख सकते हैं। उसके बाद नीचे आते हैं तो यहां पर देख सकते हैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 रुपया
सेकेंड इन्वेस्टमेंट से के बाद आप 100 रुपये तक कर सकते हैं। 500 मिनिमम अमाउंट है इसका, 5000 मिनिमम SIP है, मतलब आप अगर एक टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो 5000 कर सकते हैं, अगर SIP कर सकते हैं तो मिनिमम 500 कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो, यहाँ पर क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं एक्सपेंस रेशियो इसका कितना है, 0.47%, और इसका जो एग्जिट लोड है 1% है। एग्जिट लोड किसी भी म्यूचुअल फंड से अगर आप जनरली एक साल से पहले एग्जिट करते हैं, मतलब अपने म्यूचुअल फंड यूनिट को सेल कर देते हैं, तो आपके ऊपर 1% का एग्जिट लोड लगाया जाता है। और एक्सपेंस रेशियो होता है कि जो म्यूचुअल फंड आपको इस फंड को मैनेज करने के लिए चार्ज करेगा, तो एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड दोनों अलग अलग होता है। अदर्स प्लान्स ऑफ सेम म्यूचुअल फंड, मतलब एक्सिस के ही अलग अलग जो म्यूचुअल फंड है उसको देख सकते हैं। उसके बाद फंड मैनेजर के बारे में यहां से जान सकते हैं, यहां पर क्लिक कीजिए, जो फंड मैनेजर है इस फंड के वो है देख सकते हैं यहां पर। तो इस फंड मैनेजर के बारे में आप जानना चाहते हैं तो यहां से शो डिटेल पर क्लिक करेंगे, आप सारे फंड मैनेजर के बारे में डिटेल जान सकेंगे। उसके बाद एक्सिस म्यूचुअल फंड, जो हमारा म्यूचुअल फंड हाउस है वो है एक्सिस म्यूचुअल फंड। उसके बाद यहाँ पर अदर डिटेल्स, यहाँ पर अदर डिटेल्स चेक कर सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है इस फंड में। उसके बाद यहाँ पर सिमिलर फंड, तो यहाँ पर सिमिलर फंड आप देख सकते हैं, जो नीचे भी कुछ सिमिलर फंड दिखाए गए, ऊपर भी दिखाए गए थे। तो ये पूरा था इस म्यूचुअल फंड के बारे में, जो पूरा का डिटेल किस प्रकार आप जान सकते हैं ग्रो ऐप पर। अब यहाँ से आप इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं, वन टाइम इन्वेस्टमेंट या मंथली SIP। तो चलिए हम मंथली SIP पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आप कितना मंथली SIP करना चाहते हैं वो अमाउंट डालना है, तो 1000 का हम मंथली SIP करना चाहते हैं, तो यहाँ पर 1000 डालेंगे, मिनिमम 500 तक कर सकते हैं, फिर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब यहां कह रहा है पे नाउ, तो यहां पे नाउ पर आपको क्लिक करना है। जैसे पे नाउ पर क्लिक किया तो यहां पर आपको सारे ऑप्शन दिखाएंगे जिसके तहत आप यहां पर पे कर सकते हैं, और आप उसी बैंक अकाउंट से कर सकते हैं जो बैंक अकाउंट आपने अकाउंट बनाते समय डाला था। यहां फोन पे से कर सकते हैं, गूगल पे से कर सकते हैं, भीम UPI से कर सकते हैं, अदर पर क्लिक करके अदर से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं अब इस ऐप में, पहले बहुत सारे कम ऑप्शन थे, अब आप सारे ऑप्शंस हैं, आप UPI चुन लीजिए, UPI के तहत कर सकते हैं। चलिए हम गूगल पे यूज़ करते हैं, गूगल पे को सेलेक्ट कर लिए। आप देखिए यहाँ प्रोसेसिंग पेमेंट आ गया, ये आपको खुद ब खुद गूगल पे ऐप पर ले जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर हमारा ग्रो ऐप यहाँ पर आ चुका है गूगल पे ऐप पर लेकर के। यहाँ पर आप प्रोसीड तो पे पर क्लिक कीजिए और पेमेंट कीजिए, और आपका अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट हो गया ग्रो ऐप में, और एक दो दिन में आपका जो यूनिट्स है वो अलाउट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा कि किस तरह से ग्रो ऐप में आपको इन्वेस्ट करना है। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।